सो वेलकम टू माई चैनल सिटी लवर में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज शाम का टाइम अभी यहाँ पे कनाडा में कैलगरी में, और हम निकले हैं शहर के ऊपर, पैदल पैदल वॉक हो रही है। तो आप मेरे पीछे का व्यू देखोगे, ये जो है जीटी रोड है, जो कि कैलगरी के डाउनटाउन की तरफ जाती है। तो मैं और मम्मी ये देखिए शहर के ऊपर निकले हैं, और ये पीछे हमारे देखो नीचे ये डाउन, जैसे हमारे वहाँ पे होते हैं छप्पड़ बने हुए होते हैं, तो यहाँ का ये कैलगरी का छप्पड़ है, लेक जिसको यहाँ पे बोलते हैं। और अभी ये जमा हुआ है बर्फ, देखिए पीछे कितनी है। तो जैसे जैसे ये बर्फ वो आती रहेगी तो ये मतलब ठीक हो जाएगा, जैसे जैसे गर्मी आती रहेगी। तो अभी आपको सामने का व्यू दिखाते हैं, जहाँ को ये कैलगरी को ये सड़कें जा रही हैं। ये है डाउनटाउन का एरिया, ये है डाउनटाउन का यहाँ के एरिया, और यहाँ से सामने ये देखिए। और यहाँ पे जो ड्राइव होती है, गाड़ियाँ चलती है लेफ्ट राइट की तरफ चलती हैं, मतलब राइट से गाड़ियाँ हमेशा चलती हैं। तो हाँ, कीप टू द राइट। और हम घूम रहे हैं पूरा, ये देखिए अब व्यू, ये देखिए ये घर, और नीचे ये है एक लेक सी है छोटी सी, छप्पड़ बोलते हैं यहाँ पे, बड़ा छप्पड़ है ये तो हमारे यहाँ वहाँ के लिए। तो चलो, तो ये मौसम काफ़ी अच्छा है, शाम का टाइम है और गर्मी अभी होने वाली है शुरू, और आज बिल्कुल ठंड काफ़ी कम है। आप आराम से छोटी सी जैसे किसी जैकेट में आराम से बिना कैप के आप जा सकते हो। और ये सारा व्यू आ गया आप देखिए, और चैनल के साथ बने रहना, और भी आपको व्यू दिखाता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सिटी लवर एंड वर्ल्ड ओवर में, और आपको कनाडा के दर्शन करवाते रहेंगे, उनकी प्लेसेस के बारे में बताते रहेंगे। ये देखिए कैलगरी का स्टॉर्म वाटर फैसिलिटी, ये देखिए ये है, यहाँ पे लोग जब गर्मियाँ होती है तो आसपास पूरी लेक के बैठ जाते हैं, और ये घर सारे ये देखिए, और काफ़ी मज़ेदार लाइफ है यहाँ पे। काम करो, रूल के मुताबिक रहो, ईमानदारी से काम करो, और अच्छी अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तो अभी हम जाते हुए शहर की तरफ दोस्तों, और आप कुछ जानना चाहते हो कैलगरी कनाडा के बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, कुछ वीडियो भी शेयर कर देना, ताकि लोगों को कैलगरी कनाडा के बारे में पता चले, अच्छे लाइफस्टाइल के बारे में पता चले। और चैनल में बने रहना, भाई की सपोर्ट कर देना यार, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी रिक्वेस्ट कर देना कि भाई सब्सक्राइब दिस चैनल, न्यू हूँ अभी तो, आपकी सपोर्ट के साथ ये चैनल चल पड़ेगा। प्लीज़ हेल्प मी फॉर इस चैनल को प्रमोट करने के लिए, और थैंक यू। और अभी आप देखिए ये सारा व्यू, ये देखिए, और ये मम्मी आ रहे सामने से सैर करते हुए, और ये सारा व्यू है। चलो थैंक यू दोस्तों, अभी और भी आपको नज़ारे दिखाते, बर्फ़ पड़ी हुई है, लेकिन क्या है कि बर्फ़ अभी कम होती जा रही है, ये घास नीचे से ग्रास जो है वो निकलता जा रहा है, और ये अभी 2 महीने में बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। और ये लेक भी है जो पूरी पानी, जो बर्फ़ इसकी खुर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और मेल्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ पर पानी हो जाएगा, और लोग आसपास बैठकर अपना शाम का आनंद लेंगे। आपको भी दिखाएंगे तब का मौसम, तब का व्यू, देखिए लोगों के घर, और काफ़ी साफ़ सुथरा, तो देखो कहीं भी कोई कचरा वगैरह आपको जल्दी से नहीं मिलेगा, साफ़ सुथरा आपको सड़कें मिलेंगी, कोई मिट्टी नहीं होगी, कोई कागज़ पत्थर ऐसा कुछ नहीं होगा। लोग ऐसे जो भी अपना डस्टबिन है, जो भी कचरा घर का गार्बेज, वो ऐसे 3 इनको मिले होते हैं सिटी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, उनमें ये बिन में डालते हैं और अपने आप गाड़ी आकर उठा के लेके जाती है। सभी जगह आप देखिए ये डस्टबिन पड़े होंगे। और ये हम घूमते हुए जाते हुए सैर करेंगे पूरा, आज कम से कम 5 किलोमीटर सैर करनी है, और रोज़ आपको भी सैर करनी चाहिए रोज़ की रोज़, ताकि हेल्थ अच्छी रहे, हेल्थ अच्छी रहेगी, माइंड अच्छा रहेगा, काम अच्छा कर पाओगे। तो शेयर कीजिए और आनंद लीजिए, चैनल में बने रहना दोस्तों। और अलविदा, बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, और भी आपको व्यू दिखाते रहेंगे, प्लीज़ बने रहना यार, थैंक यू।